मैं समझता हूँ कि एक ऐसा त्यौहार है जिसमें अमन और शांति का पैगाम है। आज ईद माशाल्लाह सब लोगों का खुशी का दिन है, सब लोग खुशी खुशी ईद मनाए और कुर्बानी भी जो कर सकते हैं वो अच्छे तरीके से कर ले, और गरीबों को पहुँचाना है तो ये ज़रूरी है गरीबों को मदद करना इस ईद में, ताकि वो भी खुश रहे, हम भी खुश रहेंगे। हमारी तरफ से ईद मुबारक सबको, और होटल एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक है। सबसे पहले वे पूरी मुस्लिम उम्मा को अपनी तरफ से और कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से ईद मुबारक एडवांस पेश करता हूँ, और दूसरा गवर्नमेंट के सामने कुछ बातें मैं लाना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। नंबर वन, अनइंटरप्टेड पावर सर्विसेज होनी चाहिए ड्यूरिंग ईद। नंबर दो, एनिमल स्किन कलेक्शन सेंटर हर मोहल्ले में बनाए जाएँ, और अगर मुमकिन हो सका तो मोबाइल वैन्स की भी फैसिलिटी दी जाए, ताकि लोग वहाँ पर जो ये कुर्बान जो एनिमल जो पेड़ या स्किन्स वो वहाँ पर दे सकें। और नंबर तीन, ट्रैफिक का ख़ास खसूस इंतज़ाम रखा जाए, और ट्रैफिक के जो कर्मचारी है उनको मैक्सिमम नंबर में उनको सिटी के अंदर डिप्यूट किया जाए। और मेरी मैसेज है अपने लोगों से कि कुर्बानी के जो खाले हैं उनको नालियों गलियों कोचों सड़कों पे न डालें। गवर्नमेंट की तरफ से या एनजीओज की तरफ से डेफिनेटली तैयारी की गई है कलेक्शन सेंटर उनकी, उनके अंदर आप दे दीजिए, और सफाई का ख़ास ख्याल रखें। एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू द पीपल ऑफ कश्मीर एंड इन एडवांस ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नज़ीर अहमद मीर हूँ, और मैं अहले इस्लाम को ये ईद मुबारक करना चाहता हूँ। बाकी ये जो कुर्बानी है ये जो इसके लायक है उन तक ये पहुँचना चाहिए। मेरी तरफ से तमाम अहले इस्लामों को ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बाशिंदों को, पूरे मुल्क के बाशिंदों को, और पूरे अहले इस्लाम को ईद मुबारक। ये ईद का मुतबरक मौका है, और मेरी आपसे गुजारिश है इस ईद के मौके पर आप ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों और मिस्कीनों की मदद करें। मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि आपकी ज़िंदगियों में इस ईद के आने से खुशहाली और अमन आए, और अगर आपका किसी से झगड़ा हुआ हो, किसी से आपकी लड़ाई हो, तो आप सुलह कर लें। ईद मुबारक। मैं तमाम मुसलमानों को आज की ईद पर मुबारकबाद देता हूँ, और तवक्कत करता हूँ कि ये तमाम लोगों के लिए बाईस खुशी और बाईस मुसीबत। जहाँ जम्मू कश्मीर में हमारे नौजवानों ने पिछले 30 साल बड़ा सफ़र किया वायलेंस से, अब जहाँ वायलेंस रुक चुकी थी, वायलेंस थम चुकी थी, हमारे नौजवान ने अपने मुस्तकबल की तरफ नया रास्ता चुन लिया था, लेकिन फिर से हमारी सोसाइटी में एक और वबा आ गई है ड्रग। मैं उम्मीद करूँगा अपने बच्चों से, जो हमारे अदर इंस्टीट्यूशंस हैं, ये ड्रग हमारे नौजवानों के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए समी कातिल है। हमें मुतहद होकर इस ड्रग में इसको ख़त्म करना है, और आज की इस ईद पे ही ये अहद करना है कि ड्रग फ्री सोसाइटी बने। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल्लाहिल करीम, अम्मा बाद, फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सारे लोगों की तरफ से, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की तरफ से, तमाम उम्मत मुस्लिमा को ईदुल अज़हा के मुबारक मौके पे हम मुबारकबाद पेश करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तमाम जो टीचिंग्स है, दीन इस्लाम की जो टीचिंग्स है, उसके हिसाब से हम अपनी ज़िंदगियों को जो है वो बसर करेंगे। और हम यही उम्मीद करेंगे ये जो ईद का मुबारक मौका है दीन इस्लाम के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, और बिलखसूस जो कश्मीर की आवाम है उसके लिए राहत और सुकून का जो है पैगाम ले जाए। अवतार सिंह त्राली, अपने जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर की मेजॉरिटी कम्युनिटी का एक खादिम, अपने तमाम जम्मू कश्मीर के भाई बंधुओं को ईद उल अज़हा की एक लाख लाख मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और दुआ करता हूँ अपने परमात्मा से, गुरु से, वाहिगुरु से, अल्लाह ताला से,
कि ये दिन खुशियाँ और शादमानी हमारे जम्मू कश्मीर के लिए लाए। मैं खुश हूँ, अल्लाह का फजल है कि जम्मू कश्मीर में वो शादमानी के दिन लौट आए। हमारी सरकार बिल्कुल वचनबद्ध है कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक रहें, यहाँ प्रॉस्पर्टी हो, यहाँ खुशहाली हो, यहाँ पीस हो, यहाँ अमन हो और आपसी भाईचारे की जो हमाहंगी है वो बरकरार रहे। हम उस ही मिशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम दुआ भी मांगते हैं अल्लाह ताला से कि हमको भी तौफीक दे कि हम उन हालात को और बिल्कुल नज़दीक पटरी के ऊपर लाने के लिए हमें हिम्मत दे। हम यही चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का वो सदियों पुराना भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद वाला जो भाईचारा था, वो कायम और दायम रहे। मैं दिल की उम्मीद गहराइयों से एक बार फिर अपने कश्मीर के मुस्लिम भाइयों को ईद उल अदा की लाख लाख मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू।